पहले एडमिन इस वीडियो में बात करेंगे कि पैरामेडिकल काउंसलिंग आपकी कब तक स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले बात कर लें कि बीएससी नर्सिंग की आपकी फर्स्ट राउंड अभी खत्म हो गई, जब आपका 18 को सीट मैट्रिक्स आ जाएगा उसके बाद आपका सेकंड राउंड स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट ईयर भी अगर आप देखो तो आपके अगस्त तक मतलब बीएससी नर्सिंग का भी स्टार्ट हो चुका था। और अगर लास्ट ईयर पैरामेडिकल की बात करूँ तो पैरामेडिकल जो आपका स्टार्ट होगा वो मेरे ख्याल से अगस्त एंड तक स्टार्ट हो जाएगा। बट अगर आप लास्ट ईयर का देखो ये नोटिस, तो आपका सितंबर का नोटिस है, सितंबर में आपकी सीट वगैरह पोजीशन वगैरह यहाँ पे डाली गई थी। उसके बाद जो ये फर्स्ट राउंड, ये तो मेरिट लिस्ट है आपकी, मतलब फर्स्ट राउंड का रिजल्ट जो आया होगा उसकी मेरिट लिस्ट है। बट स्टार्ट कब से हो गया, ये 17 सितंबर से। तो इस वाले सेशन में मतलब 23 वाले सेशन में आपका क्या हुआ है, थोड़ा मतलब एक दो वीक पहले हो रहा है काम। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो आपका पैरामेडिकल का नोटिस आएगा, पहले नोटिस ही आएगा आपका, वो आपका कब आएगा, अगस्त एंड वीक में आ सकता है। ठीक है, अगस्त एंड वीक में आपका नोटिस आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, लॉगिन करके अपनी चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग में आप कितने भी कॉलेज डाल सकते हो, वहाँ पे कोई लिमिट नहीं होता। बट ये है कि आपको उस कॉलेज में कौन सा कोर्स करना है। जैसे यहाँ पे एम्स दिल्ली में आपका ओटी था, देन आपका यहाँ पे एमआरआईटी था, तो यहाँ पे आपकी चॉइस होगी कि आपको कौन से कॉलेज में कौन सा कोर्स करना है। आप एक कॉलेज में दूसरे कोर्स के लिए भी डाल सकते हो। ठीक है, तो जैसे ये लास्ट ईयर की लिस्ट है आपकी, अगर ये आपको देखनी है कि कहाँ पे मिलेगी, तो ये आपको टेलीग्राम चैनल के फाइल सेक्शन में मिल जाएगी। और नेम इसका यही है, अनाउंसमेंट ऑफ फर्स्ट राउंड ऑफ रिजल्ट। ठीक है, तो ये फाइल आपको फाइल सेक्शन में मिल जाएगी वहाँ पे। और इस फाइल में आपको ये भी पता चल जाएगा कि लास्ट यूआर को कहाँ तक मिला था। तो ये देखो, लास्ट यूआर को 326 रैंक तक मिला था। उसके बाद फर्स्ट राउंड के बाद सेकेंड राउंड भी होता है, देन ओपन होगा आपका। सेकेंड राउंड में तभी होगा जब आपकी सीट बची होंगी, और ओपन तब होगा जब आपकी सेकंड के बाद सीटें बची होंगी। सीटें बचती तो बहुत है, मतलब कुछ लोग पार्टिसिपेट नहीं करते। उसके बाद बहुत से बच्चों को डाउट था कि पैरामेडिकल की फ़ी क्या है, तो वो मैं भी दिखा देती हूँ अभी आपको। पर उसके बाद ओबीसी का 455 पे, एससी का 640, एसटी का 632 और ईडब्ल्यूएस का 321। आप फ़ी की बात कर लेते हैं कि फ़ी क्या है। तो ये आपकी पैरामेडिकल की सीट लिस्ट है कि आपके 265 टोटल सीट है। उसके बाद यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर भी आपका गिवन होगा। बट ये देख लो कि आपका कोर्स कितने साल का है, अगर आप जो करना चाहते हो। जैसे आपका मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी आपका 3+ हाफ ईयर, मतलब हाफ ईयर आपका इंटर्नशिप के लिए होगा ये। उसके बाद हर एम्स का अलग अलग है, वो भी देख लेना। ठीक है, जैसे यहाँ पे बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी इन रेडियोग्राफी जो है 3+1 ईयर का है। वही रायपुर में अगर आप देखोगे तो लेबोरेटरी वाला सिर्फ 3 ईयर्स का है। उस अकॉर्डिंग आपको अपनी चॉइस फिलिंग करनी होगी, क्योंकि पैरामेडिकल में बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपके यहाँ पे फ़ी स्ट्रक्चर की, कि फ़ी स्ट्रक्चर आपका हर एम्स का अलग अलग होगा। और अपना कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपका अभी तक मतलब बना नहीं है, तो एक बार वो देख लेना कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड होगा या नहीं होगा, उस हिसाब से आपको सीट जो होगी वो मिलेगी। यहाँ पर आपका मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी एंड इमेज में रजिस्ट्रेशन फ़ी बता रखी है। उसके बाद अलग अलग फीस हैं आपकी यहाँ पे, बीएससी इन ऑपरेशन टेक्नोलॉजी 720 जो होगा आपका, किस चीज़ के लिए होगा, पोस्ट मनी आई थिंक आपका जो वहाँ पे यूज़ में आएगा, हॉस्टल रेंट जो आपका हॉस्टल सिक्योरिटी फ़ी है, देन ट्यूशन फ़ी है, ये चीज़ें मतलब आपकी यहाँ पे मेंशन है। उसके अलावा एक चीज़ और होगी कि हर एम्स में ना आपका पैरामेडिकल के लिए हॉस्टल नहीं है, तो वो आपको चेक करना होगा कि कौन से एम्स में नहीं है हॉस्टल। और नए एम्स में तो आपका बना हुआ है हॉस्टल हर जगह, और यहाँ पे ये चीज़ मेंशन है आपकी। आप अगर अच्छे से देखोगे तो फ़ी फॉर अदर सब्जेक्ट रेडियो टेक्नोलॉजी को छोड़ के आपकी फ़ी जो होगी वो मतलब हर महीने लगेगी। अब ये ऐसा क्यों है, ये हर एम्स का अलग अलग होगा। जैसे आपका रेडियो टेक्नोलॉजी वाली फ़ी है, फ़ी ऑफ फॉर रेडियो थेरेपी फर्स्ट ईयर की 50,000 है, थर्ड ईयर की भी 50,000 है। ये आपके कहाँ कहाँ पे होंगे ये आपको देखना होगा। सबसे पहले मतलब जो आपका पैरामेडिकल है वो ये क्लियर कर लो कि पैरामेडिकल में फ़ी एम्स की कम नहीं है, एम्स की फ़ी भी पैरामेडिकल के लिए ज़्यादा है। बट यहाँ पे मेंशन होगा कि जो आपके हॉस्टल अकोमोडेशन है ना बीएससी पैरामेडिकल के लिए, वो एम्स ऋषिकेश और एम्स बीबी नगर में नहीं है। उसके बाद अगर बात करें कि आपका स्टाइपेंड की, तो स्टाइपेंड में तो आपका 500 पर मंथ की आपका, जब आपका एकेडमिक सेशन चल रहा होगा तब तक इंटर्नशिप में वो बढ़ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं आपकी कि ये फ़ी जो होगी हर चीज़ हर एम्स के लिए होगी। तो यहाँ पे मेंशन तो नहीं है प्रॉपर किस एम्स का है, बट हाँ ये हो सकता है कि ये हर एक एम्स के लिए होगा, क्योंकि आपका यहाँ पे मेंशन है कि एम्स ऋषिकेश और बीबी नगर में हॉस्टल नहीं है, जो कि नहीं है। और तो फीस जो होगी वो पैरामेडिकल की आपकी ज़्यादा होगी, तो ये आप देख के चलना।